सुन भैया मात न नहीं सजा और मात ने चाह रही रे मरो रायरी दैया रे छोटे भैया अंकित साहब बोला अरे लला किशनलाल आ चुके हो आई ठीक है बहुत बढ़िया है। देखिए सिंहदीप का हमारी जहाँ बारात जा रही है वहाँ जादू की मार है। हमारा जादू का कंकन बांध दो इसलिए आपको हमने बुलाया है और हमारा कुआं हवाला दिलवा दो तो ब्यावन जाए रो। हाँ बिका गए झंडू तो चच्चा वो ही उधर खड़े होंगे क्यों घर मैं ब्यावन आए कर पाव दारी है ना इसलिए तो आपको बुलाया है कई काने का बुलाए दिलने के मैं सामने। अरे चाचा जी मोत्री मौसी आपको बुला रही है। काय मैं घर ब्यावन आए कर पाव लड़ा को तूने जाई के मारे बुलाओ आओ ताओ तो उल्टी सीधी बतलाई करी है। हे रानी मोतरी मैंने बेटा किशनलाल का संकलदीप से विवाह रोक लिया पल्ली और बढ़िया थे तभी मुतले थे ने मुतले करे मेड़ पे। नरवर के सभी नर नारी नरवर के सभी हितों रिश्तेदार दिखाई दिए पर एक तुम नहीं दिखाई दी इसलिए बेटा किशनलाल ने कुआं पर सीके डालने से मना कर दिया। आप बैठ जाओ और सीके डलवा दो। महाराज हाँ हमने अपने दानवगढ़ में एक बात तुमसे कही थी पति महाराज मास्टर साहब कि मैं देवन की अरे दीवल मरे संचत के भरोसे मती रैया रे कहा था शादी करियो पिया मोरी दर कोई व्यापन दिए चढ़ा ली है तुई औरे बता से मेरे सजना मेरे नाम के नाय चढ़ा बेस न जान बात वाले खाई है मड़े बारे दिनारे खूब मूछ है बोरे बोरे के तुई औ जान रोटी नरवरिया मेरे मड़े से न बांधी तीन नदी के भैया ये आ रहे हैं 20 रुपया मोहित और अंकित
ऐसे मजुरवासी पार्टी को धन्यवाद दे रही है। पति महाराज, हे रानी मोतनी, अब हम चब रहे हो ना कत्ती तुमसे ज्यादा। आप कह रही हो कि लगन चढ़ा ली पर हमारे नाम के दो बताशे नहीं रखे हैं। तुम्हारे नाम के बताशे रानी मोतनी मैंने पहले आरे में रख रख दिए हैं और फुलकियां मैंने मड़े में बांध रखी हैं। अगर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है तो अपने पुत्र किशनलाल से पूछ सकती हो। चलो मुकुमा भामरे दरबारी चल लाओ, बैठ जाओ और सीकर डलवा दो। लला मानसु, ओ मानसु, ओ जी अंजलि, हिमांशु आइए। हाँ ए आगे हैं 50 रुपया राजवीर भैया दे रहे नगरा लड़पत माई पति मास्टर। हरिदार कुआ की बा मरिया तो लैया मेरो जगरी चलो जी आठ ये का। हाँ तो वही मेरी उधर भाई देवे उधर भाई देवे हाँ जा का अम्मा डर रहे। 20 रुपया अंकित और हिमांशु दोनों भाई जिगरी यार। इधर राजा नल कुआ पर खड़े रानी मोतनी को याद करते हैं, उधर रानी मोतनी दानमगढ़ देवलोक में अपनी सहेलियों के साथ में सार खेल रही है। ए आगे है 50 रुपया दूल्हा के ताऊ जी दे रहे हैं, पार्टी को धन्यवाद दे रही है। इधर रानी मोतनी के कान में जो समय राजा नल की आवाज पड़ती है तो अपनी सहेलियों से कहने लगी कि हे बहना, ए बहन ये बताइए आप अभी तक जब आपकी बारी थी मेरा दाव से पंगने का तो मुझे पंगती नहीं, आप जब आपकी बारी आई तो एकदम से कहां को चल दी। बहन आज हमारे पति महाराज ने हमें याद करवा जब मन जा रही है। नहीं पहले हमारा दाव देके जाओ उसके बाद जाना। कोई बात ना बहन। ए आ रहे हैं 100 रुपया अशोक सिंह नगला हरी सिंह इसी वजह से बच्ची पार्टी को धन्यवाद दे रही है। बहन आज मैं जा रही हूँ, रात भर रुकूंगी, कल लॉटरी तुम्हारा दे दिया है ठीक है। आओगी जरूर? हाँ लॉटरी जरूर आऊंगी। ठीक है जाइए।